अस्सलाम वालेकुम। आज के वीडियो में मैं आपके साथ फ्रीलांसिंग के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ। अगर आप फ्रीलांसर हैं या आप फ्रीलांसिंग करना चाह रही हैं तो आपको डेफिनेटली इसके बारे में पता होना चाहिए। सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। दिस इज़ मी सबीन यासीन एंड वेलकम टू माई YouTube चैनल। सो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि वट इज़ फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग होता क्या है? वो लोग जिसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं तो उनको सिंपल वर्ड्स में मैं ये बताऊंगी कि फ्रीलांसिंग है क्या। फ्रीलांसिंग को हम डिजिटल मजदूर भी कहते हैं। अगर आप अपने घर में कोई काम करवाना चाह रही हैं, फॉर एग्जाम्पल आप पेंट करवाना चाह रही हैं, तो आप इसके लिए क्या करती हैं? आप उसे कॉन्टेक्ट करती हैं, पेंट वाले को बुलाती हैं, उसको काम समझाती हैं, वो आपको अपना टाइम बताता है, प्राइस बताता है, आपको काम करके देता है और इसके बदले में आप उसको पैसे देती हैं। तो सेम यही प्रोसेस एक फ्रीलांसर का है। अगर आप फ्रीलांसिंग करती हैं या आप एक फ्रीलांसर हैं, लाइक आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है या आप वेब डिवेलपर हैं, वीडियो एडिटर हैं, आपको कोई भी स्किल आती है तो आप अपनी स्किल को फ्रीलांस कर सकती हैं, मीन अपनी स्किल की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती हैं। अब बात करते हैं कि आप अपनी स्किल्स को कहाँ फ्रीलांस कर सकती हैं, कहाँ आप अपनी स्किल्स की सर्विसेज दे सकती हैं। तो इसके लिए ऑनलाइन फील्ड में आपके पास बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आप अपनी स्किल्स की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती हैं। अगर आप बिगनर हैं तो आई विल सजेस्ट यू कि आप फाइवर को यूज़ करें, क्योंकि फाइवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, अगर आप इस पर काम करती हैं तो आपके साथ किसी भी तरह का कोई भी स्कैम नहीं होता। अब बहुत से लोग फाइवर के नाम से ही भागती हैं कि फाइवर पर ऑर्डर नहीं मिलता, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने फाइवर पर अपने गिग को अच्छे से क्रिएट किया है, मीन आपका टाइटल भी अच्छा है, आपकी डिस्क्रिप्शन भी अच्छी है, आपका थंबनेल भी अच्छा है, तो नॉट पॉसिबल कि आपको ऑर्डर ना मिले। फाइवर पर एक बिगनर के लिए भी वही अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जो एक ओल्ड पर्सन के लिए हैं कि जिसने बहुत से ऑर्डर्स कम्प्लीट किए हुए हैं। अगर आप फाइवर पर अच्छे से काम करती हैं तो फाइवर आपको खुद प्रमोट करता है, ऐसा नहीं है कि वो आपको प्रमोट नहीं करता। तो अब बात करती हैं कि आप फाइवर को यूज़ करते हुए अपनी स्किल्स को किस तरह से फ्रीलांस कर सकती हैं और फाइवर पर काम करने के लिए किन पॉइंट्स को आपको माइंड में रखना होगा। अगर आप इन पॉइंट्स को फॉलो करती हैं तो आपके लिए फाइवर पर ऑर्डर लेना बहुत आसान होगा। फाइवर पर ऑर्डर लेने के लिए सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, अगर आप इस पर इम्प्लीमेंट करती हैं तो आपको जल्दी ऑर्डर्स भी मिल जाएंगे। फर्स्ट पॉइंट कि आपने जब भी फाइवर पर कोई भी काम स्टार्ट करना है तो आपने अपनी नीच को अच्छे से सिलेक्ट कर लेना है, मीन आपने ऐसी नीच को सिलेक्ट करना है जिस पर कंपटीशन भी ज़्यादा ना हो, बहुत से लोग ये सर्विसेज सेल ना कर रहे हों, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी और आपकी गिग भी रैंक नहीं करेगी। आपने एक ऐसी नीच सेलेक्ट करनी है जहाँ पर कंपटीशन भी काफ़ी लो हो और बहुत से लोग यहाँ पर ये सर्विसेज भी प्रोवाइड ना कर रहे हों, तो इस तरह से आपकी गिग भी जल्दी रैंक हो जाएगी और आपको ऑर्डर मिलने के चांसेस भी ज़्यादा होती हैं। सेकंड पॉइंट, फाइवर पर काम करने से पहले आपके कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छी होने चाहिए। इतने अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स हों कि आप एक मैसेज को अच्छे से समझ सकें और उसका रिप्लाई भी आप अच्छे से कर सकें, क्योंकि अगर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स ही अच्छे नहीं होंगे तो ना तो आप क्लाइंट की बात को अच्छे से समझ सकती हैं और ना आप अपनी बात को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हैं। तो इस तरह से आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी और आप अपने प्रोजेक्ट को भी सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं कर सकते। और फाइवर पर अकाउंट क्रिएट करने से पहले आप अपनी स्किल्स में एक्सपर्ट हों, मीन आपके पास इतना एक्सपीरियंस हो कि आपके सामने कोई भी टास्क रखा जाए, कोई भी काम रखा जाए, आप उसके बारे में श्योर हों कि आप इसको सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकती हैं। इसके बाद ही आप फाइवर पर अकाउंट क्रिएट करेंगे, अपनी स्किल के रिलेटेड गिग क्रिएट करेंगे, क्योंकि अगर आपको अपनी स्किल के बारे में कोई एक्सपीरियंस ही नहीं होगा तो जब आप क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करेंगे तो आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि आपको अपनी स्किल के बारे में कुछ पता ही नहीं है, ना ही कोई एक्सपीरियंस है, तो इस तरह से आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। इसलिए आपने तभी फाइवर पर अकाउंट क्रिएट करना है जब आपको अपनी स्किल के बारे में एक्सपीरियंस भी हो और आपको ये पता हो कि आपको कोई भी टास्क दिया जाएगा तो आप डेफिनेटली उसको सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकती हैं। फोर्थ पॉइंट कि फाइवर पर गिग क्रिएट करने से पहले आपने अपनी स्किल के रिलेटेड पोर्टफोलियो क्रिएट करना है। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बहुत दफ़ा ये बताया है कि आप अपनी स्किल के रिलेटेड पोर्टफोलियो मस्ट क्रिएट किया करें, क्योंकि इससे क्लाइंट को ये पता चलता है कि आप किस तरह का काम कर सकती हैं, आपकी स्किल्स कैसी हैं,
आप किस तरह का काम उनको करके दे सकती हैं। अगर आपके पास कोई भी क्लाइंट नहीं है तो आप किसी को एक दो डिज़ाइन फ्री में क्रिएट करके दे दें, पोर्टफोलियो का आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। क्लाइंट आपके पोर्टफोलियो से ही काफ़ी हद तक सेटिस्फाई हो जाता है आपकी स्किल से। फिफ्थ पॉइंट कि आपने अपनी स्किल के रिलेटेड कोई भी कॉपीराइट मटेरियल यूज़ नहीं करना। फॉर एग्जांपल, अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं और आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग के रिलेटेड कुछ ऐसी वेबसाइट यूज़ कर रही हैं जहाँ पर कॉपीराइटेड मटेरियल यूज़ किया जाता है, तो आपने उसे अपने डिज़ाइन में बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, क्योंकि अगर आप उसको यूज़ करती हैं तो आपको फाइबर की तरफ से वायलेशन आ जाती है और आपका जो अकाउंट है वो बैन किया जाता है। तो आपने कोई भी कॉपीराइटेड मटेरियल यूज़ नहीं करना, ना ही आपने किसी का थंबनेल यूज़ करना है और ना ही आपने किसी के टाइटल डिस्क्रिप्शन को एज इट इज़ अपने गिग में ऐड करना है। आपने अपने अकॉर्डिंग टाइटल को ऐड करना है, डिस्क्रिप्शन को ऐड करना है और थंबनेल को भी आपने खुद क्रिएट करना है। कोई भी आपने किसी भी तरह का कॉपीराइट मटेरियल यूज़ नहीं करना। तो ये वो सारी चीज़ें थी जो फाइबर पर काम करने से पहले आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। अगर आप इस पर इम्प्लीमेंट करती हैं तो आपको प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ेंगी। आई होप कि आपको आज की वीडियो की अच्छे से समझ आ गई हो। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।